हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में, जिसे आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे ये जो इन्फेक्शन होता है वो किन किन कारणों से होता है, यानी जब आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे हम इसके सिम्टम की, यानी जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं वो भी जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे दोस्तों हम इसके ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में, इसे आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, ये यूटीआई इन्फेक्शन होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके कारण की, यानी जब आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या क्या कारणों से यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यानी जब आपको इन्फेक्शन होता है वो किन किन कारणों से होता है। दोस्तों, इसमें पहला क्या आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी जब आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। और जो सेकंड पाया जाता है इसका कारण, फंगल इन्फेक्शन भी पाया जाता है, यानी आपको जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है वो फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। और नेक्स्ट जो पाया जाता है दोस्तों, इम्प्रॉपर हाइजीन पाई जाती है, यानी आप पूरी तरीके से हाइजीन न रखते हो तो उसके कारण भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो पाया जाता है इसमें, हैव डायबिटीज़, यानी किसी पेशेंट को जब डायबिटीज होती है तो उसके कारण भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर आपको कोई पेशेंट है जिन्हें उनका ब्लड जो है पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता, या फिर उनके जो पेशाब की थाली है पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाती है, तब भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, ये इसके कुछ कारण पाए जाते हैं जिनकी वजह से आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके लक्षण की, यानी जब आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों। जिसमें पहला क्या आता है आपका दोस्तों, बर्निंग सेंसेशन आता है, यानी इसमें क्या होता है, जब आप पेशाब करते हैं उस समय जलन का होना, ये इसका एक लक्षण होता है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो पाया जाता है इसमें, पेन सेंसेशन पाया जाता है, यानी दर्द का महसूस होना, यानी जब आप पेशाब करते हैं, पेशाब को पास आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है, दर्द होता है। और नेक्स्ट जो पाया जाता है दोस्तों, ब्लड इन यूरिन, यानी जब आप पेशाब करते हैं तो उसमें क्या होता है, यूरिन में ब्लड का आना, ये भी क्या है, इसका एक लक्षण पाया जाता है। या फिर आपका नेक्स्ट जो पाया जाता है, क्लाउडी यूरिन पाया जाता है, यानी इसमें क्या होता है, जो आपका यूरिन होता है वो क्लाउडी हो जाता है या फिर गाढ़ा सा हो जाता है, ये भी इसका एक लक्षण दिखाई देता है दोस्तों। या फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पाया जाता है इसका, बैड स्मेल पाया जाता है, यानी आप जब आप पेशाब को पास आउट करते हैं तो उस समय क्या होती है, बहुत ज़्यादा बदबूदार स्मेल आती है, ये भी इसका दोस्तों लक्षण पाया जाता है। जब दोस्तों आपका यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये आपको लक्षण दिखाई देते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो वहाँ पर दी जाती है। फ्रेंड्स, ये जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसमें एंटीबायोटिक दी जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, जिसमें पहली क्या दी जाती है दोस्तों, नोफ्लोक्स 400 दी जाती है, वो भी दिन में दो बार दी जाती है, सुबह और शाम दी जाती है। साथ ही अगर ये एंटीबायोटिक नहीं होती है तो दूसरी एंटीबायोटिक जो पाई जाती है दोस्तों, नेट्रोबैक्ट पाई जाती है, ये भी टैबलेट आप सुबह शाम दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो पाई जाती है एंटीबायोटिक, डॉक्सीसाइक्लिन पाई जाती है, यानी इस टैबलेट को आप दिन में दो बार दे सकते हैं, यानी सुबह शाम दे सकते हैं। इन तीनों मेडिसिनों में से एक मेडिसिन दी जाती है, यानी सुबह शाम दी जाती है, वो भी खाना खाने के बाद दी जाती है। दोस्तों, यदि आप पेशाब करते समय आपको दर्द होता है तो टैबलेट जीरोडोल स्पास दी जाती है, जिसके अंदर फॉर्मुलेशन पाई जाती है एसिक्लोफेनाइल और डोटापेराइन पाई जाती है। दोस्तों, अगर यदि आपको यूटीआई इन्फेक्शन के साथ साथ बुखार होता है तो आपको टैबलेट कालपोल 500 दी जाती है, वो भी SOS कंडीशन पर दी जाती है, यानी जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तब ही ये टैबलेट दी जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको एल्कासोल सिरप दिया जाता है, यानी सिरप जो दिया जाता है वो दिन में तीन बार पीना होता है, यानी दो चम्मच सुबह दोपहर शाम लेना होता है, एक गिलास पानी लेना होता है, उसमें दो चम्मच डाल के तब पीना होता है। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है, यानी प्लेंटी फ्लूड पीना होता है, जिससे यूटीआई इन्फेक्शन को कम किया जा सके। दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके।
फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।